गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज फाइनली हमारा संकल्प बैच का प्रोबेबिलिटी वाला सेशन का लास्ट लेक्चर है। तो बस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले, कल थोड़ा सा बफर हो रहा था बच्चों, लेकिन आई होप कि आप लोगों को वो कंसेप्ट जो भी हमने डिस्कस किया वो कल समझ में आया हो। तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था? कल हमने किया था डिस्कशन रैंडम वेरिएबल एंड देयर टाइप्स। ओके, दैट वाज डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस एंड उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उसके बाद हमने डिस्कशन किया किस चीज का, अपना हमारा डिस्कशन हुआ उसके बाद। एक जस्ट सेकेंड, मैं स्टार्ट कर लूं मेरे पास भी। उसके बाद हमने बात की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आया होगा। कल थोड़ा सा लेक्चर में रह गया था, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बाइनोमियल, पॉइजन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें से अगर कुछ खास पढ़ना है तो बाइनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। बहुत आसान लेक्चर है बच्चों। और वन मोर थिंग, 2 दिन से कोई एक कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, याद है अपने वो ट्राइंगल पढ़ा था, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग कामिनी श्रीवास्तव। जरा देखिए जो हमने डिस्कशन किया था, क्या याद है वो एक ट्राइंगल बनाया था, सम ऑफ टू डाइस वाला? तो सम ऑफ टू डाइस वाला ट्राइंगल बनाया था, तो फाइनली आज हम सम ऑफ थ्री डाइस के बारे में भी बात करेंगे। बीच रास्ते में जब भी बोर हो रहे होंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तब हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आदित्य शुक्ला, 12 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई हैव इन द फील्ड ऑफ गेट एन ईएससी। आई मेंटर्ड अबाउट 1 लाख स्टूडेंट अक्रॉस द इंडिया एंड आई एम हैविंग एन एक्सपर्टाइज इन द सब्जेक्ट दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 638। एंड स्टूडेंट्स, जो भी बच्चा 22-23 के लिए देख रहा है और सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा कोड यूज करें, दैट इज ADS10, देन यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। बच्चों, आज लेक्चर को लाइक करना मत भूलना, मजा आने वाला है। तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन, एनरिच प्लस। प्लस में आप लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेस, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस एक्सेस कर पाएंगे, एज वेल एज लेक्चर अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में, और रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी है यहाँ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल ट्रेनर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगा और प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल। हेलो मेघा, गुड मॉर्निंग। These are the India's topmost educator of computer science and mathematics, which is who is me. And if you use my code ADS10, then you will get a maximum discount. Convey this message to your juniors, then they will get a benefit. Students plus subscription, 3 lengths में available है, 12, 18 and 24. No cost EMI, तीनों में ही है. और अगर आप मेरा code use करते हैं, That is ADS10, then you will get a maximum discount. Good morning, Upendra. Iconic subscription, 2 lengths available, 12 and 24. No cost EMI is there. And if you use my code, that is ADS10, then you will get a maximum discount. So students, आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि हम उससे आपको सीख सकते हैं, स्पेशली मैथ्स, तो आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए अनअकैडमी ऐप पर एट आदित्य शुक्ला 266368, एज वेल एज आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी टेलीग्राम गेट के लिए, जो कंप्यूटर साइंस के लिए। वो ज्वाइन करने से आपको नोटिफिकेशन तो मिलेगा, बट जो रोज हम लेक्चर दे रहे हैं उसका PDF भी मैं वहां रोज शेयर कर रहा हूं, तो आपको वो भी मिलेगा। एज वेल एज आप नोटिस कीजिए, दीज आर द इंडियाज नंबर वन यूट्यूब चैनल इन विच आई एम टीचिंग एट अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस। तो जो भी स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए भी स्टार्ट कीजिए इसको। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। गुड मॉर्निंग शांतनु। तो जरा देखिए एक बात जरा आप समझना, मैं आपसे कहूंगा दो बातें आप बिल्कुल याद रखिएगा। कौन सी बात? जो आप ऐसा बोल लो कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी? जरा देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, ठीक। और वेरियंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसी में ये किसका हो गया फॉर्मूला बच्चों? डिस्क्रीट का हो गया। अब कंटिन्यूअस का भी लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी ए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि एग्जाम में कोई फंक्शन आपको दे दिया गया, मान लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया और उससे बोला गया कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बताओ, और मान लेते हैं कि आप भूल गए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ही मीन होता है। कल मैंने बताया यही इसी को एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, यही मीन एवरेज एक्स बार जो बोलना है बोल दो आप। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो जो भी वो फंक्शन है वो अगर वो डिस्क्रीट है तो यहां रख दो, कंटिन्यूस है तो यहां रख दो और सॉल्व कर दो, आपको मीन मिल जाएगा। तो याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, दो तीन लाइन का मैथ से हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे वेरियंस पूछ लूं किसी भी फंक्शन का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर वेरियंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं टॉस को कॉइन करूं, सॉरी एक कॉइन को टॉस करूं, सॉरी अगर मैं कॉइन को टॉस करूं तो सैंपल स्पेस क्या क्या आता है? हेड टेल आ जाता है, ठीक है। अब हम यहां पर एक कंसीडर कर लेते हैं क्या कि अगर अगर हेड अपीयर होता है, ध्यान से देखिएगा, हेड अपीयर होता है तो इसको हम बोल देते हैं सक्सेस, ठीक। आप उल्टा भी ले सकते हो, ये मेरा परसेप्शन है, ठीक है। और अगर टेल अपीयर होता है तो इसको कहते हैं फेलियर, ओके। तो अभी ये मैं मान लेता हूं सक्सेस को डिनोट किससे करते हैं? पी से। और फेलियर को किससे डिनोट कर दो? वन माइनस पी से, ठीक है, वन माइनस पी से। अब जरा आप एक बात बताओ, अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां एक छोटा सा फंक्शन बनाऊं और मैं कहूं कि मैंने एक सिक्का उछाला और मुझे हेड मिल गया, हेड मतलब सक्सेस हो गया, तो सक्सेस में क्या बोल दूं? पी। इसको हम बोल देते हैं एक्स इक्वल टू वन, मतलब ये क्या हो गया, ये सक्सेस। एक ही बार सिक्का उछाल रहे हैं तो ज्यादा बार नहीं, बहुत आसान है, बस शुरुआती 10 मिनट ठहरी, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बहुत आसान लगेगा आज का लेक्चर। अब मैंने कॉइन टॉस किया और मुझे टेल मिल गया, मतलब मैं फेल हो गया, और अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो गया बेटो? बच्चा वन माइनस पी। तो वन माइनस पी मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर मुझे फेलियर मिल गया, ओके। ये मेरा एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं इसी प्रोसीजर को बढ़ाते चले जाऊं तो एक पैटर्न जनरेट होगा, और वो जो पैटर्न जनरेट होगा वही पैटर्न बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जरा समझो कितनी आसानी से बात की, एक बार कॉइन टॉस करना सबको आता है, हेड में सक्सेस, टेल में फेलियर, बोल दिया सक्सेस, वन माइनस पी बोल दिया फेलियर। अब अगर मैं यहां पर आपसे एक बात पूछूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर समेशन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स होता है, समेशन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स होता है। तो अगर हम इसको खोल दें तो क्या होगा बच्चों? यहां पर बताइए क्या होगा, एक सेकेंड मुझे कुछ यहां पर स्टार्ट करना है। अगर हम इस समीकरण को खोल दें तो कुछ मिलेगा x0 p0 plus x1 p1। अब आप कहोगे सर आपने x0 p0 और x1 p1 क्यों लिया? बिकॉज बच्चों मैंने एक ही बार हेड टॉस किया है, तो या तो जीरो बार हेड आएगा या एक बार हेड आएगा, ये होगा ना, कल पढ़ा था। अब अगर अपन यहां से सॉल्व करें तो क्या होगा, जीरो इंटू वन माइनस पी, कल टेबल बनाया था, फंक्शन बना दिया है, प्लस वन इंटू पी।
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो मेरा आया वो आया पी स्मॉल पी। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि यही ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आया ये पी है और इसी को मैं म्यू बोल रहा था जिसको अपन मीन बोलते हैं। और आप बताइए सिक्का कितनी बार उठाला? एक बार उठाला आएगा ये कहलाएगा। अब अगर ये जो भी आया है ये सिंगल ट्रायल के लिए है बच्चों, तो अगर मैं ऐसा एंड टाइम कर दूं, अगर मैं यही चीज अगर मैं एंड टाइम तक लेता हूं, अगर मैं बोल दूं कि सिमिलरली सिमिलरली फॉर एंड ट्रायल्स, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपका म्यू दैट इज मीन दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या एन पी हो जाएगा। बात खत्म। और सबको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, याद तो होगा आप 21 के बच्चे हो आपको याद होगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है एनपी। एक बात खत्म है आसान। चलिए अब आगे बात करते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब जरा ध्यान से देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, तो कल याद है मैंने कहा था कि जहां भी एक्स है वहां एक्स स्क्वायर कर देना। और अब अगर मैं आपसे ये कहूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का समेशन खोल दो, तो मैं लिख दोगे क्या एक्स जीरो स्क्वायर पी जीरो स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर पी वन स्क्वायर। तो बताइए एक्स जीरो क्या था? जीरो। और ये कितना था? जो भी हो इनटू पी जीरो क्या है बताओ, पी जीरो क्या है 1 माइनस पी, तो लिख दो यहाँ पे 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी का स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई पी स्क्वायर, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ठीक है, ये स्क्वायर थोड़ी है, एक्स का ही स्क्वायर है ना, थोड़ा गलत कर दिया। तो ये हो गया 1 माइनस पी, ये हो गया पी। तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई पी? नाउ आप ध्यान से देखिए, बस शांतनु वही आ रहा हूं बच्चा, फ्रॉम 1 वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू, बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है पी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना था? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सिंगल ट्रायल में पी था, अगर आप यहां पुट करते हो तो आपको मिलेगा पी स्क्वायर, पी कॉमन ले लो 1 माइनस पी होगा। तो क्या आपको याद है कि पी और 1 माइनस पी का मतलब होता है क्यू? ये क्या हुआ? ये सिंगल ट्रायल के लिए हुआ बच्चों। और अब अगर ये सिंगल ट्रायल के लिए हुआ है, तो अब आप मुझे ये बताइए जरा कि यहां पर अगर मैं फॉर एन ट्रायल लिख दूं तो वेरिएंस ऑफ एक्स जिसको आप सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगा? एन पी क्यू। Clear? और अब अगर मैं यहां एक सेकेंड मैं आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्या आप लिख दोगे अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो आपने नोटिस किया दो छोटे छोटे फॉर्मूले से 2 सेकेंड में हमने प्रॉपर समझते हुए किसको समझ लिया? वेरिएंस को समझ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को समझ लिया और मीन को समझ लिया। अब एक आखिरी बात फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, हमने बात की थी सक्सेस की, वो पी था, हमने बात की थी फेलियर की, वो क्या था बच्चों? 1 माइनस पी। 1 माइनस पी मतलब क्यों बोल दू? ये कितने ट्रायल की बात हो रही है? 1 ट्रायल की बात। ये कितने बात ट्रायल की बात हो रही है? 1 ट्रायल की बात। चलिए हो गई एक बात, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हम कितने ले रहे हैं? एन। अब उसमें जो नंबर ऑफ जो सक्सेस मिल रही है, नंबर ऑफ सक्सेस जो मिल रही है, उनको मान लेते हैं कि आर ट्रायल। यस डेफिनेटली मेघा, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, जस्ट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अराउंड 20 क्वेश्चंस टुडे। ओके, इट विल हेल्प यू टू क्या कहते हैं, अपडेट योर माइंड की, लाइक अब हो जाएगा काम। और अगर मैं यहाँ तो नंबर ऑफ फेलियर की बात करूं, तो
फेलियर के ट्रायल कितने हो जाएंगे? अरे एन अगर ट्रायल है टोटल, उसमें से आर सक्सेस के हो गए तो फेलियर क्या होगा? एन माइनस आर। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये सक्सेस वन ट्रायल में है, ये फेलियर वन ट्रायल में है। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या मैं ये लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू पी टू द पावर आर, किस कितने ट्रायल में? आर ट्रायल में। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू, क्या मैं लिख दूं क्यू टू द पावर एन माइनस आर, जबकि वो एन माइनस आर ट्रायल से बच्चों हो गया, और टोटल एन है, टोटल ट्रायल एन है। तो क्या अब थोड़ा बहुत पुराना याद आता है, एक पैटर्न जनरेट हो गया, दैट पैटर्न इज कॉल्ड पी ऑफ आर इक्वल टू एन सी आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर इंटू पी टू दी पावर आर। क्या याद आ जाएगा बच्चों? और सबको तो पता है कि पी प्लस क्यू की वैल्यू वन होती है। क्लियर? अगर आप इसको समझें तो याद है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन ने 11th 12th में पढ़ा था, पी प्लस क्यू होल टू दी पावर एन, उसको जब एक्सपांड करते हैं तो उसकी जो आरेख टर्म होती है, जो उसकी आरेख टर्म होती है, वो यही होती है जो मैंने लिखा। मैं वहां से भी समझा सकता था लेकिन ये ज्यादा आसान लगा मुझे। क्लियर? चलिए एक बात नोट करो अपने अपने पेज पे, कहीं शॉर्टकट अगर आप लिखते हो तो, हमेशा याद रखें कि इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा मीन जो होता है वो वेरिएंस से बड़ा होता है। मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, कभी भी आ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। एक बात, अब एक छोटी सी बात और, फिर पॉइजन, 2 मिनट में पॉइजन और 2 मिनट में एक्सपोनेंशियल। क्या छोटी सी बात सुनो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो क्या एग्जामिनर आपको बोलेगा, बच्चा मैं तेरे को बाइनोमियल का क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पे बाइनोमियल लगा के सॉल्व कर दे? नहीं बोलेगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू सॉल्व बाय यूजिंग बाइनोमियल। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल प्रति कोफिशिएंट होता था वो, तो आप क्या करोगे, आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में एन जो है, मतलब सॉरी, इन दिस क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दिया जाएगा ना प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के होने या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली, मतलब हमेशा नहीं बोलूंगा, अराउंड 1/2 होगी, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, मतलब एक हेल्दी प्रोबेबिलिटी होगी, 10%, 20%, 25%, ऐसा। ये अच्छा 50% प्रोबेबिलिटी होना एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है, इनफैक्ट 10 को भी मैं सही काउंट करता हूँ। तो 10% टू 50% अगर बच्चों प्रोबेबिलिटी दी है, और एंड एंड एन क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल मतलब 2, 4, 5, 10, 20, 25 बस। अगर ऐसा एन दिख जाए और प्रोबेबिलिटी भी ठीक ठाक हो इस तरह की 10 टू 40, 50%, तो आप सॉल्व करोगे किससे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ये अपने आप आपको बोला जाएगा और अपने आप फील आ जाएगा, बोला कोई बोलेगा कोई नहीं सर बाइनोमियल से आपको करना है। क्लियर हो गई एक बात? चलिए अब हम बात करते हैं पॉइजन की। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यस यस यस, काउंटेबल टाइम लगेगी बेटा, प्रतीक वो डिस्क्रीट ही होगा ना, समेशन खुलेगा तो समेशन अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है या 500 600 तक जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एन हो गया, तो अपन बाइनोमियल नहीं कर पाएंगे। आपको बोलोगे तो आपको मैं उसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा कि अपन क्यों नहीं कर पाएंगे, एक आध किसी क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है, बोलता कोई नहीं है। अब अपन पॉइजन की बात करें तो बच्चों आप ये बोल सकते हो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल। मतलब क्या? मतलब अगर 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 इफ एन इज वेरी लार्ज, अभी मैंने क्या बोला एन काउंटेबल होना चाहिए, अगर बाई चांस बच्चों की एन अगर बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, एंड प्रोबेबिलिटी पी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वो जो मैं अभी 10% 20% की बात कर रहा था ना, कितना परसेंट हो जाए, 1/1000,
अब ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0.001%। अब ये तो बहुत कम हो गई। अब अगर ये बहुत कम हो गई तो उस केस में आप यूज करोगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, पी ऑफ आर इक्वल टू पी ऑफ आर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम एम टू द पावर आर फैक्टोरियल आर। ओके यस यस संदीप, थैंक यू सो मच संदीप, वेरी गुड बेटा, है ना। और यहां पर अगर अपन मीन की बात करें तो मीन एम ही होता है, और अगर हम वेरिएंस की बात करें तो बच्चों वेरिएंस भी एम होता है। तो यहां पर क्या सीखा कि इन दिस केस, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। प्रीवियस केस में मीन वाज ग्रेटर देन वेरिएंस, ओके। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको आता ही है, अंडर रूट एम हो जाएगा। क्लियर। एक और बात, जब इसके मीन का फॉर्मूला ही एम है, तो व्हेनेवर इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी वांट टू इवैल्यूएट एम, देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं कि फॉर इवैल्यूएटिंग एम We use mu equal to np, यही फॉर्मूला था जो हम यूज करते हैं। ओके बच्चों, ये हो गया एक और पॉइजन बंदा, सॉरी एक और डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल प्रतीक, मीन एंड वेरिएंस सेम होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फंसा देगा एग्जामिनर। अब एक और डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनिए, सवाल ये आता है कि कोई भी अगर आपसे पूछे कि सर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां यूज कर सकते हैं, कहां यूज करेंगे, तो आप पता है क्या करना, सिर्फ सिंपल बात बोल रहा हूं यहां पर, कैसा कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मैं लिख देता हूं एक्सपोनेंशियल distribution is used for the concept of lifetime problems। मतलब क्या, मतलब ये कि मान लो कि एक ट्यूबलाइट है, आप खरीदने गए और ट्यूबलाइट खरीदने गए और वो बोल रहा है, आपने पूछा उससे सर ये ट्यूबलाइट कितने आर चलेगी, तो उसने बोल दिया 1,00,000 घंटा चलेगी। तो ये 1,00,000, मतलब ये इसको आप लाइफ टाइम कंसिडर कर लो। आपने मोबाइल का सिम कार्ड लाते हैं ना, जब लेकर आते हैं तो बोलते हैं वो लाइफ टाइम सिम है, फिर भी वो खराब होता है सिम। तो अगर इस तरह की चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालना है, देन वी ऑलवेज यूज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और वो डिफाइन कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्बडा ई टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स, जबकि x ग्रेटर देन 0, लैम्बडा ग्रेटर देन 0। और एक और बात, अगर आप यहां मीन निकालोगे तो मीन होगा 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, और वेरी एक सेकेंड गलती गलत लिख दिया, मीन होगा 1 अपॉन लैम्बडा एंड द वेरिएंस इज 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। But I am not able to share the number. But if you really want to ask some doubt, you can put a message on Unacademy application. And I mean it, I am definitely reply you, bacha. ठीक है? So don't worry about this. एक last बात और, मान लो कि कोई बच्चा पूछे मुझसे अभी कि सर ये 1 upon lambda कहाँ से आया, तो क्या करना है, आपको बताया मैंने expectation of x का formula, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताया, ई ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स, उस फॉर्मूले में डालिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास मीन आ जाएगा। वेरिएंस आपको निकालना है, सर वेरिएंस कहां से ले आए, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर वेरिएंस, बेटा हो जाएगा। बेटा मतलब आई एम नॉट अलाउड टू शेयर माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप ओवर हियर, बट अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगा। ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करें।
चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो देखो क्वेश्चन, देखो पढ़िए क्वेश्चन। अ नॉर्मलाइज्ड बैंक हैज फाउंड, ध्यान से सुनना अब आज, अब आप ये वाली बातों को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। या दिस इज द डाउट कि बिकॉज प्रेजेंटली आई एम नॉट एबल टू शेयर माय पर्सनल टेलीग्राम आईडी, बट आई विल लेट यू नो अबाउट टुमारो। ओके चलिए, अ नॉर्मलाइज्ड बैंक हैज फाउंड दैट द डेली बैलेंस अवेलेबल इन इट्स सेविंग अकाउंट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नंबर वन ये कि यहां से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, विथ मीन 500, तो मैं मीन लिख लेता हूं म्यू इक्वल टू 500 रुपीज। ओके एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रुपीज 50, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 50 ले लेते हैं। क्लियर, अब आगे बात करते हैं। द परसेंटेज ऑफ सेविंग अकाउंट होल्डर्स टू मेंटेन एन एवरेज डेली बैलेंस बिकम मोर देन 500, मतलब हमको क्या बताना है कि कोई बैंक है, उस बैंक में जो डेली बैलेंस अवेलेबल होता है वो उसका मीन जो है 500 रुपीज है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 50 रुपीज है। तो हमें इस बात का परसेंटेज निकालना है कि जो एवरेज डेली बैलेंस है वो 500 रुपए से ज्यादा होगा, ये हमें यहां पर बताना है। क्लियर, क्लियर हो गई बात खत्म। अब आप एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 500? ठीक है, ग्रेटर देन 500 निकालना है। और कल मैंने, वेरी गुड संदीप, तो मैंने यहां पर कल बोला था कि कभी भी जेड में, अगर एक्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बदल दो जेड में, तो z इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो अब देखो z में बदलने का तरीका देखो, p ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन 500 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें यहां, तो आप बताइए कैसा लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा z ग्रेटर देन, अगर आप इफ यू पुट वैल्यू ऑफ म्यू हियर 500 माइनस 500 अपॉन 50, तो ये क्या हो गया बच्चों, पी ऑफ जेड ग्रेटर देन 0। अब ये देखो दो बच्चों ने आंसर बोल दिया है ना, प्रतीक ने आंसर दे दिया, प्रेम ने आंसर दे दिया। अब आप ये बताओ कि कल अपन ने डिस्कशन किया था ये ऐसा ग्राफ होता है और ये ग्राफ में ये ओरिजिन था 0, अब 0 से बड़ा मतलब ये वाला जो रीजन था टोटल ये कितना था 50%, तो 0 से बड़ा मांग रहा है तो ये 50% हो गया अपना आंसर। सिंपल, बहुत आसान है ये। ओके चलिए आगे आइए। अज्यूम दैट द मीन हाइट ऑफ सोल्जर, अज्यूम दैट द मीन हाइट ऑफ सोल्जर इज टू बी 68.22 इंचेस, मतलब मीन हाइट कितनी दी है 68.22, विथ अ वेरियंस, वेरियंस दिया है 10.8, मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालू तो अंडर रूट ऑफ 10.8 हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000, 1000 लोगों का कोई रेजिमेंट है, कुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 6 फीट टॉल, 6 फीट से ज्यादा होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 72 लिख दू क्या, क्योंकि हाइट इन्होंने किसमें दे दी, फीट में पूछ ली, और डिटेल किसमें दिया है, इंचेस में, देन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इन इंचेस। ओके एक और बात, गिवन दैट द एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 टू दिस और इतना है, और एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1.15 इतना है, इन्होंने एरिया दे दिया। अब जरा रुको, ग्राफ बना लो, ये हो गया, ये अपनी कहानी क्या हो गई 0। आपको याद है कुछ अपन ऐसा पढ़े थे कि यहां 1 आएगा,
ये माइनस वन आएगा। और आपको याद होगा ना, माइनस वन टू वन के बीच में कितना एरिया है, 68%, मतलब 0 टू 1 के बीच में 0.34 समथिंग। और एक और जगह है, ये बना लो 1.15। और हमें जो निकालना है वो दिया हुआ क्या है, 0 टू 1.15 के बीच में 0.3746 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, P ऑफ x ग्रेटर देन 72। क्या मैं फिर से लिख लू, P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन 72 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हुआ, z ग्रेटर देन 72 माइनस 68.22 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10.8। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं यहां पर बच्चों। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा पी ऑफ, एक सेकेंड, पी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1.15। तो क्या मैं पी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1.15 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 0.5 माइनस पी ऑफ 0 लेस देन जेड लेस देन 1.15। तो 0.5 तो दिया है, और इस बात से मत डरना सर ये 0 से 1.15, अगर डेटा 0 और 1 के बीच में ही होता तो आपको याद होना चाहिए 68% वाले कल कंसेप्ट से कि 0.34 हो जाएगा, बट नॉट गिवन है। और वो कितना गिवन है, 0.3746। नॉट टू वरी अबाउट दिस बेटा, कोई डाउट है बेटा, अगर डाउट हो तो बोलो, जल्दी तो नहीं हो रहा ये क्वेश्चन। देखो मीन हाइट दी हुई थी, सिग्मा स्क्वायर गिवन था, तो हमने सिग्मा निकाल लिया। हमें निकालना है कि हाइट जो है 6 फीट से ऊपर होना चाहिए, उसको हमने इंचेस में बदल लिया। अब ओके ओके ओके, थैंक यू संदीप, हाँ फाइनल आंसर ही दे दिया, तो चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, उसका एक छोटा सा रीजन, क्यों, क्योंकि या 125 सोल्जर्स, बिल्कुल। अब देखो, अ डाई इज रोल्ड 180 टाइम्स, लिखते जाओ n इक्वल टू 180, ओके, यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी यूज करना है, फाइन। एक और बार चलो ये देखना, देखो बच्चा, मीन हाइट सोल्जर की थी 68.22, वेरिएंस था 10.8 इंचेस स्क्वायर, तो वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन तूने निकाल लिया। कोई रेजिमेंट है 1000 लोगों की, उसमें से हमें एवरेज निकालना है क्या, कि 6 फीट से ऊपर सोल्जर होने की प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी सोल्जर कैन बी 6 फीट टॉल, मोर देन सिक्स, ओवर 6 फीट टॉल। तो 6 फीट को तू इंचेस में बदल दे, तो हमसे पूछा क्या है, एक्स ग्रेटर देन 72, बाकी सब भूल जाओ। No, 125 क्या हो गया बच्चा, जेड, और यहाँ म्यू और सिग्मा की तो वैल्यू रखते, तो आ जाएगा 1.15। अब यहां से देखो ध्यान से कि ये इतना जो एरिया है, ये इतना जो एरिया है, ये टोटल एरिया कितना है, 0.5। अब इस 0.5 में से कितना माइनस कर दो, इतना 0 से 1.15 वाला, क्योंकि हमको तो 1.15 से ज्यादा चाहिए। हमें कौन सा वाला एरिया चाहिए बच्चा, ये वाला एरिया, तो ये माइनस कर दिया। अब 0.5 तो आपको पता ही है, और यहां तो ये गिवन दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1.15 पर 0.3746 है, माइनस कर दो तो कितना आ रहा था, 0.1254 ऐसा कुछ आ रहा था, तो इनटू 100 करते हैं तो 125। चलिए, अ डाई इज रोल्ड 180 टाइम्स, 180 लिख दिया, यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फेस 4 विल टर्न अप at least 35 times।
ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालना है, जब आप उस डाई को रोल कर रहे हो तो जो उसका फेस फोर है वो आना चाहिए बच्चों, वो आना चाहिए, है ना। तो अगर फेस फोर है तो फेस फोर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। तो एक सेकेंड, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेस फोर क्या हो गया, 5/6 हो गया। अभी तो अपन ने सिर्फ सिंपल निकाला है, एन एक डाई को रोल करा 180 बार, प्रोबेबिलिटी किस बात की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फेस फोर क्या आना चाहिए, 1/6, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई। ओके, बात हो गई खत्म। अब हमें क्या निकालना है, एक्स ग्रेटर देन 35 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप एक बात बताइए, यहां से फिर से चला आए तो क्या मैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिख सकता हूं? तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं जेड ग्रेटर देन 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तो दिया हुआ है कि यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें यहां पर किस किस की रिक्वायरमेंट है, म्यू और सिग्मा की। तो आप जरा यहां पर देख लेते हैं, जरा हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू एनपी हो गया, हम जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, एनपी, और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, एनपी क्यू। तो म्यू इक्वल टू 180, एन 180 है, और इंटू 1/6, तो म्यू की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 30, ठीक है। ओके, अब जरा ये देखिए, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन कितना हो गया, 180, पी कितना है, 1/6, और क्यू कितना है, 5/6, ठीक। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई, तो सिग्मा की वैल्यू हो गई 5, कोई डाउट नहीं है। अब यहां देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन एक सेकेंड 35 माइनस म्यू, व्हाट इज म्यू, 30, और अपॉन 5। तो अब आप जरा देखिए, क्या मैं लिख सकता हूं पी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। और क्या कल हमने पढ़ा था कि जेड ग्रेटर देन 1 में 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन जेड लेस देन 1। और अब अगर यहां पे 0.5, अब ये याद रखना है 0 से 1 के बीच का प्रतीक, ये पढ़ा था बेटा अपन ने कि ये 0 से 1 के बीच में, कल मैंने बताया था 0.5 माइनस, और इसकी वैल्यू याद रखना है 3413, माइनस कर लेना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। राइट हैंड साइड वाला रिपीट, देखो देख, म्यू इक्वल टू एनपी था, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ले आए। अब आपको ये बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि बाइनोमियल से म्यू निकालना है। अरे पी देखो ना कितना छोटा है, पी कैसा है, प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है, एन 180 है, यहां से म्यू निकाल लिया, सिग्मा निकाल लिया। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, ग्रेटर देन 35, कोई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बोथ साइड कर दे श्वेता। अब एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की वैल्यू जेड हो गई, और ये जो 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज 30, पुट 30 ओवर हियर, एंड सिग्मा की वैल्यू 5। तो व्हाट वी केम टू नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, तो इसको आप कर लो 0.5 माइनस पी ऑफ 0 लेस देन जेड लेस देन 1। ये देखो आंसर आ गया, पॉइंट कितना आ रहा है आंसर, 0.1587। थैंक यू शांतनु मनीषा एंड गीक रूक गीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते, आई होप श्वेता तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा बच्चा। सभी लोग बच्चों सेशन लाइक करना मत भूलना, और इसको शेयर भी करना है अपने को, ठीक है। जरा क्वेश्चन देखिए, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बोल दो, एन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इंडिपेंडेंट है बच्चों, और वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक ये वर्ड आ गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।
then the probability P of X1 प्लस X2 माइनस X3, एक सेकेंड, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये दिया हुआ है कुछ ऐसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 प्लस X2 लेस देन इक्वल टू X3 इज क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए अब जरा देखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने X1 X2 X3 को तो इंडिपेंडेंट बोला वो चलेगा, यहां पर इन्होंने वर्ड यूज करा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की कि ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी पूछा है इसको यूनिफॉर्म से सॉल्व करो, यूनिफॉर्म से सॉल्व करो। अब जरा आप बात को यहां पे समझना, पहले अपन अपना थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। पी ऑफ X1 प्लस X2 लेस देन इक्वल टू X3 को क्या हम हमारे कंफर्टेबल जोन में लिख लें, X1 प्लस X2 माइनस X3 लेस देन इक्वल टू 0, चलेगा? अब मैं यहां पर ले लेता हूं लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू X1 प्लस X2 माइनस X3, तो हमें क्या मिल गया, P ऑफ एक्स कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 ही लो, इक्वल टू 0, हाँ ठीक है लेस देन ले लो। अब ये जो लेस देन 0 मिला, यहीं से क्या मैं ये लिख लूं क्या, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन 0 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो हम क्या यहां पर लिख सकते हैं P ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मतलब P ऑफ जेड लेस देन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है बच्चों? ठीक है, अब भूलना मत कि कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल X1 प्लस X2 माइनस X3 अपन ने कंसीडर की है, और एक और बात, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 और 1 में, ये मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप मुझे ये बताइए यहाँ कि ये क्वेश्चन जब सॉल्व हो पाएगा तब मेरे पास म्यू और सिग्मा होंगे, अब आई हैव टू इवेल्युएट म्यू एंड सिग्मा फॉर दिस एक्स। ठीक, चलिए अब यहां से अगले पेज पे चलते हैं, यहां देखिएगा क्या होगा, हम जानते हैं सिंस कैपिटल एक्स इक्वल टू X1 प्लस X2, एक सेकेंड एक सेकेंड, कैपिटल एक्स इक्वल टू X1 प्लस X2 माइनस X3, तो अगर मैं बोथ साइड एक्सपेक्टेशन ले लू तो एक्सपेक्टेशन ऑफ X1 एक्सपेक्टेशन ऑफ X2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ X3। अब बिकॉज मैं यहां लिख देता हूं अलग से यहां कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है यहां पर, इसमें 0 और 1 में, तो क्या आपको उसका मीन याद है, कली किया है a+b/2, तो अगर a+b/2 करोगे तो ये हो गया 0 प्लस 1/2 दैट इज 1/2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ X1 क्या हो गई 1/2, मीन ही तो होता है वो, ये भी क्या हो गया 1/2 -1/2, ये कैंसल, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स हमें मिल गया 1/2, जिसको आप म्यू बोल सकते हो। ओके, हो गई बात खत्म। चलिए अब यहां पर देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं वेरिएंस ऑफ X1 प्लस वेरिएंस ऑफ X2 माइनस वेरिएंस ऑफ X3। अब एक बात याद रखें बच्चों, कल मैंने डिस्कशन किया था कि वेरिएंस जो है वो हमेशा बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव, तो कभी ये घुमाने के लिए दिया है, क्वेश्चन आया ही इसलिए था कि ये माइनस की बजाय आपको यहां प्लस करना है, ये कोई बताएगा नहीं, ये आपके बेसिक ही है जो आपको हेल्प कर पाएंगे। क्लियर, और क्या आपको ये पता है कि वेरिएंस में कल मैंने बात की थी कि बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12, तो यहां हो जाएगा 1 -0/12 इक्वल टू 1/12, तो यहां 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इक्वल टू 3/12 दैट इज 1/4, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर। क्लियर, तो देयर फोर
सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, 1/2। ठीक, चलिए पीछे चलो। इक्वेशन वन क्या थी, इक्वेशन वन ले लेते हैं। फ्रॉम वन पी ऑफ जेड लेस देन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा था, तो क्या मैं लिख दू पी ऑफ जेड लेस देन म्यू की माइनस, तो एज इट इज म्यू की वैल्यू 1/2 और ये भी वैल्यू 1/2, तो पी ऑफ जेड लेस देन हो गया -1। अब बच्चों अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको नेगेटिव में नहीं कर पाते हैं, तो आप इसकी इनिक्वलिटी बदल के साइन चेंज कर दो, मैं भी यही प्रिफर करता हूं। अब जेड ग्रेटर देन 1 की वैल्यू क्या याद है, 0.5 माइनस पी ऑफ 0 लेस देन जेड लेस देन 1, तो बस आ गया और क्या, 0.5 माइनस 0.3413 जो भी है वो आंसर। क्लियर, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। ये क्वेश्चन रिसेंटली मैंने बहुत बार डाउट में भी बताया, तो मैंने यहां पर अभी आपसे शेयर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट कैपिटल एक्स बी अ, ध्यान से देखो, लेट कैपिटल एक्स, या सेम बेटा सेम सेम संदीप, बिल्कुल वही आंसर है। लेट कैपिटल एक्स बी अ जीरो मीन यूनिट वेरिएंस, रुक जाओ, जीरो मीन यूनिट वेरिएंस गॉसियन रैंडम वेरिएबल, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स पूछ लिया। अब आपको सिर्फ यहां एक बात याद रखना है कि ये मेरा स्टैंडर्ड गॉसियन रैंडम वेरिएबल होता है। क्या होता है, ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। क्लियर, अब इन्होंने यहां क्या दिया है, मीन 0 दिया है और सिग्मा स्क्वायर 1 है, तो सिग्मा भी 1 हो गया, ये हो गया 1/√2π ई टू द पावर, ये 0, तो न्यूमरेटर में बचा x² / 2। अब हमसे क्या पूछा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स, तो आप मुझे ये बताइए, मैं पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिख रहा हूं, क्या आपको याद आता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। और कल मैंने बोला कि अगर एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पूछे, तो यहां स्क्वायर कर दो, यहां स्क्वायर, एक्स क्यूब पूछे, आज करेंगे वो क्वेश्चन, क्यूब कर दो, यहां क्यूब कर दो। अब यहां पूछा है मॉड एक्स, तो यहां मॉड लिख दो और यहां मॉड लिख दो। अब एक लाइन कर रहा हूं, बाकी तुम लोग कर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड एक्स 1/√2π बाहर और ई टू दी पावर माइनस x² / 2 dx। अब इसको दो तरह से कर सकते, या तो मॉड से कर लो, मॉड खोलना आता है, एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स। एक मैं जानकारी दूं, आपको क्या ये प्रॉपर्टी याद है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम लिमिट 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जबकि फंक्शन इवन होता था और यही टर्म ऑड हो जाती, ऑड अगर हो तो क्या हो जाता था, 0। तो ये मॉड ऐसा फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इवन है, x² जो वैल्यू है किसी की भी डिग्री अगर इवन हो तो एल्जेब्रिक टर्म की, तो इवन फंक्शन ही होता है, तो ये टोटल फंक्शन इवन है, तो क्या मैं 2 का मल्टीप्लाई कर कर यहां लिमिट लगा दूं हाफ, और जब आप ये अप्लाई कर चुके हो तब आप मॉड एक्स को, मॉड एक्स मत लिखना, एक्स लिखना शुरू कर देना, ये अंडरस्टूड होता है। क्लियर, अब क्या ये मैं बताऊं कि x² / 2 को मैं t पुट कर दूंगा बच्चों, तो यहां x dx किसमें चला जाएगा, dt में, और अगर मैं लिमिट बदलूं तो x = 0 पर t = 0 और x = इन्फिनिटी पर t = इन्फिनिटी, तो बताइए क्या हुआ, 2/√2π लिमिट हो गया 0 to इन्फिनिटी। बताइए ये एक्स और ये डीएक्स किसमें गया, डीटी में,
ये हो गया e टू दी पावर माइनस टी। कर लोगे इंटीग्रेशन, यहां पे इंटीग्रेशन कर लोगे तुम लोग, कोई बड़ी बात तो नहीं है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स एंड वाई, लेट यस जीरो टू इंफिनिटी, लेट एक्स एंड वाई बी अ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। अभी तक एक ही वेरिएबल की बात हो रही थी, अब दो है। ये रिसेंटली किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, बट मैं उसको उस समय रिप्लाई नहीं कर पाया, तो वो क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने कहा यहां पर एक लिख लिया जाए। जरा देखिए, लेट एक्स एंड वाई बी अ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ईच ऑफ विच फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, किसका, एक्स का और वाई का, बट जो मीन है विथ मीन म्यू एंड माइनस म्यू। एक्स वाले का मीन म्यू है और वाई वाले का मीन माइनस म्यू है। तो पहले लिख लेते हैं यार, क्या मैं म्यू एक्स लिख दू? म्यू एक्स क्या है, म्यू, म्यू वाई कितना है, माइनस म्यू, सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा, और सिग्मा वाई कितना है, वो भी सिग्मा। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, देन द सम एक्स प्लस वाई, मतलब अगर एक्स प्लस वाई का सम कर ले तो उसका मीन क्या होगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन। जरा आप ध्यान से देखिए, यहां देखिए, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो अगर जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि म्यू जेड इक्वल टू म्यू एक्स प्लस वाई, और म्यू एक्स प्लस वाई को म्यू एक्स प्लस म्यू वाई। सिमिलरली सिग्मा जेड को लिख सकते हैं सिग्मा, एक सेकेंड, सिग्मा एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। अब एक बात बताइए, म्यू एक्स क्या दिया है आपको, बताओ म्यू एक्स की वैल्यू क्या है, मीन म्यू, और म्यू वाई का मीन क्या है, माइनस म्यू, तो म्यू जेड का मीन क्या हो गया, जीरो। ये देखिए क्या हुआ, म्यू एक्स का मतलब सिग्मा एक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का सिग्मा, वाई का भी सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल टू टू सिग्मा। तो क्या हम यहां पर, एक सेकेंड, एक थोड़ी सी गलती हो गई है, विथ सेम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, हाँ सही है, सही है। तो म्यू जेड इक्वल टू जीरो हो गया, तो म्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो लिख लू, सिग्मा जेड इक्वल टू अगर टू सिग्मा हो गया तो सिग्मा एक्स प्लस वाई क्या हो गया, टू सिग्मा। क्लियर? तो बच्चों मेरे हिसाब से यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए, ये एक आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये एक और आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, बहुत आसान है, समझना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट टू सिक्स, सबसे पहले ये वर्ड मत भूलना, एटलीस्ट, एटलीस्ट टू सिक्स ऑन थ्रोइंग अ फेयर डाइस फोर टाइम्स। डाई को फोर टाइम थ्रो किया तो एन इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, फोर। और जब आप थ्रो कर रहे हो तो कम से कम दो बार सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो अपन पहले सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स कितना होता है, वन बाई सिक्स, और प्रोबेबिलिटी, और तो क्यू क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाई सिक्स, दैट इज फाइव बाई सिक्स। अब इन्होंने पूछा है एक सेकेंड संदीप, सुनो, ये क्वेश्चन है, इसमें लेट एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल व्हिच फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। और तो एक सेकेंड रुको, यहां पर एक सेकेंड बच्चों रुक जाओ, नहीं सही तो किया है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टू वेरियंस
एक सेकेंड रुको बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर टू सिग्मा स्क्वायर। ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड होल्ड, सुनो सुनो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ था बताओ? सिग्मा एक्स था स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा वाई था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस हो जाएगा ऐसा। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड नहीं कर पाएंगे, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू सो मच संदीप, एक सेकंड रुको। तो यहां सिग्मा स्क्वायर मतलब हम वेरिएंस को ही, वेरिएंस में प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन में लगेगी नहीं, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर और यहाँ सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे, हाँ वेरिएंस नहीं, तो अब अगर हम यहां बात करें तो बताओ बच्चों यहां क्या होगा? जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया है सिग्मा, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर, तो ये टू सिग्मा स्क्वायर होगा ऐसा, तो ये सिग्मा स्क्वायर जेड आएगा टू सिग्मा स्क्वायर, या सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस वन आएगा टू सिग्मा स्क्वायर। बट अगर आपको सिग्मा एक्स प्लस वाई निकालना है तो वो आएगा अंडर रूट टू सिग्मा। मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूं, आप मुझे बताओ कि ये गलती समझ में आ गई? गलती समझ में आ गई जो हमने करेक्ट किया? थैंक यू संदीप, प्रतीक, थैंक यू बेटा, क्लियर है? मैं वेट कर रहा हूं। बिल्कुल प्रतीक, क्लियर, डन। चलिए अब जरा देखिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम है बेटा? सुन मेरी बात सुनो, यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिएगा। आप देखो, एन कितना है? 4। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब इन्होंने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टाइम 6 आना चाहिए, 2 टाइम्स। क्या आपको याद है कि मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर बता देता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी याद है? अपन ने ऐसा पढ़ा था P0, P1, P2, P3, P4 इक्वल टू वन। इस क्वेश्चन में 1, इस क्वेश्चन में 4 तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एन इक्वल टू 4 है। और क्या मैंने आपको बताया था एटलीस्ट में अपन ऐसा कर सकते हैं? एटलीस्ट मतलब कम से कम दो, कम से कम दो, मतलब 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा और 4 वाला भी आएगा, 4 टाइम्स भी आएगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये 2 3 4 आ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस P0 माइनस P1? तो लिख देता हूं 1 माइनस P0 माइनस P1, क्लियर? बस हो गया आपको। अब क्या फॉर्मूला नहीं याद है क्या? P ऑफ R क्या होता है? NCR Q टू दी पावर N-R P टू दी पावर R। अब आप बताइए, 1 माइनस लिख दो 4C0 Q टू दी पावर N-R 4-0 एंड P टू दी पावर R दैट इज 0 माइनस 4C1 Q टू दी पावर 4-1 और P टू दी पावर R क्या है यहां? 1। रख दो के वैल्यू 4C0, Q की वैल्यू कितनी? 5/6 की पावर 4, 1/6 की पावर 0, माइनस 4C1 का मतलब 4 हो गया, और ये हो गया 5/6 टू दी पावर 3 और 1/6 टू दी पावर 1। सॉल्व कर लेना, यहां से आंसर आ जाएगा, क्लियर? देखिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, चलो अपन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लें, उसके बाद बात करेंगे, बात करते हैं अपन थोड़ी सी देर। आज मैं
सम ऑफ थ्री डाइस वाला जो शॉर्टकट है वो डिस्कस करने का सोच रहा था बीच रास्ते में, अभी करते हैं, थोड़ा थोड़ी देर से करते हैं, ओके ठीक। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड इनफाइनाइट टाइम नंबर ऑफ टाइम्स, ये कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन का, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये तो इनफाइनाइट टाइम टॉस कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्थ हेड अपीयर्स एट द टेंथ टॉस, समझना मेरी बात को, इनफाइनाइट टाइम टॉस कर रहे हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर एक, लैंग्वेज पे जाओ, इन्होंने बोला जब आप टॉस कर रहे हो तो टॉस करते समय सुनना ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल हेड टेल टेल हेड, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, और ये हेड, आप क्वेश्चन समझ लो। बिल्कुल बेटा, एक बार तू मुझे डाउट फिर से शेयर करना, है ना, मैं भूल गया हूं, है ना, लास्ट में मुझे शेयर कर देना, जब क्लास खत्म होने वाली हो तू मुझे पिंग करना है, ठीक है। अब सुनो, टॉस जब आप कर रहे हो, इनफाइनाइट टाइम को दिमाग से निकाल दो, इन्होंने बोला कि टॉस करते समय चौथी बार हेड, फोर्थ टाइम जो हेड है वो टेंथ टाइम में आना चाहिए, मतलब ये जो कहानी है ये वाली, ये नाइन टाइम अपन ने टॉस कर लिया है, और इन नाइन टाइम में से सिर्फ तीन ही बार हेड आना चाहिए, क्योंकि चौथी बार जब भी हेड आएगा वो तो दसवां टॉस होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। चौथी बार जो हेड आना चाहिए तो टेंथ बार में आना चाहिए, प्रेम एंड संदीप हो सकता हो, शायद तुम्हारा आंसर सही हो, मतलब संदीप का मुझे याद आ रहा है, मुझे पहले सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। अब जरा सुनो क्या होगा, तो स्टूडेंट गलती ये कर देता है कि n इक्वल टू 10 ले लेता है, तो सबसे पहले तो यहाँ n इक्वल टू 3 है, सॉरी सॉरी सॉरी, n इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 9 है, 9, क्यों, क्योंकि ये जो दसवां टॉस है ये तो फिक्स है, और इस फिक्स पे हेड मुझे चाहिए ही चाहिए, दसवें टॉस पे चौथा हेड मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब इन 9 बार जब आप टॉस करोगे तो सिर्फ 3 ही बार हेड आना चाहिए, तो यहां पर अगर 3 बार हेड आना चाहिए, अगर तो 3 बार हेड आने के लिए सबसे पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/2, मतलब ये सक्सेस हो गया, और क्यू कितना हो गया, वो भी 1/2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या बोले, हम जानते हैं कि पी ऑफ आर बच्चों क्या होता है, एनसीआर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर एन पी टू दी पावर आर, क्वेश्चन समझ में आया, चौथा हेड दसवीं बार में आना चाहिए जो हमें चाहिए ही, तो ये जो 9 टाइम है इन्हीं में जो भी हो सकता है, आगे पीछे चांस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है ऐसे ही हो, लगातार 3 हेड आ सकते हैं, अल्टरनेट आ सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा मत ले आना, क्योंकि चौथी बार जो हेड आएगा वो दसवीं बार में आना चाहिए। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ट्रायल हो गए 9। अब हमें क्या चाहिए, 3 हेड चाहिए उन 9 में से, उन 9 में से 3 हेड, तो क्या लिखोगे, 9c3 1/2 टू द पावर 9 माइनस 3 1/2 टू द पावर 3, यस यस यस, सही कह रहा है संदीप, तो बताओ 9c3 हो गया, और ये हो गया 1/2 टू द पावर 6, ये हो गया 1/2 टू द पावर 9, तो क्या मैं सॉरी 1/2 टू द पावर 3 हो गया ये, ठीक, तो ये कितना हुआ 9c3/2 टू द पावर 9, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि शुरुआत में स्टार्टिंग में जो 9 बार टॉस होगा उसमें 3 बार हेड आएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ हेड अपीयर इन टेंथ टॉस, तो आप मुझे बताइए 9 टॉस की प्रोबेबिलिटी तो आपकी निकाल ही लिया आपने,
टेंथ वाले की तो प्रोबेबिलिटी फिक्स है जो 1/2 है, तो इनटू 1/2। क्लियर? नो नो उपेंद्र उपेंद्र, लास्ट वाले में हेड तो चाहिए अपने को, लेकिन हेड हेड फिक्स है, बट हेड की प्रोबेबिलिटी तो उपेंद्र 1/2 है ना बेटा, हेड की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है, एक तरह जीरो क्यों हो रहा है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। क्लियर? चले चलिए अब जरा एक क्वेश्चन देखिए। इन एन एग्जामिनेशन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चंस वन और मोर कैन बी करेक्ट आउट ऑफ 4 ऑप्शन। आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? यस यस प्रेम, यही आप कह रहे थे, बिल्कुल सही थे आप। अब जरा देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, रुक जाओ अभी अपन बाद में बात करेंगे क्वेश्चन की, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं का मतलब ये है कि हो सकता हो एक भी करेक्ट हो सकता हो, दो भी करेक्ट हो, तीन भी करेक्ट हो, चारों भी करेक्ट हो। आईआईटी जेईई जेईई में अपन देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। आप ना सुनिए, अ स्टूडेंट डिसाइड टू मार्क द आंसर एट रैंडम। स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो रैंडमली आंसर वो टिक करेगा, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन करेक्ट। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसमें इसको 2 क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली करेक्ट हो, एग्जैक्टली। तो आप एक बात बताओ, छोटी सी बात है, देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या क्या हो सकता है, 4 में से 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है जैसा मैंने बोला, 4 में से 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 4 में से 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, और 4 में से 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब देखो, 4C1 का मतलब हो गया 4, 4C2 का मतलब निकाल लेना वो 6 होता है, 4C3 का मतलब 4, और 4C4 का मतलब 1, तो टोटल हो गए 15। तो अब जो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट आया वो आया 1/15। क्या ये बात क्लियर हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 14/15 हो गई, जिसको आप क्यू बोल दो, ठीक है, 1 माइनस 1/15। ठीक, अब जरा देखिए यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 10, और एग्जैक्टली इनको 2 चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या है, 2। तो क्या मैं ये लिख दूं, पी ऑफ 2 इक्वल टू 10C2 क्यू टू दी पावर 10 माइनस 2 पी टू दी पावर 2। बेकार क्वेश्चन है, देख लो क्यू का वैल्यू क्या है, 14/15 टू दी पावर 8 और 1/15 टू दी पावर 2। ये सिर्फ इसलिए प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या चेंज हुआ, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात हो गई, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो 4C1 4C2 बस यही यही लाइन इंपॉर्टेंट थी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बच्चों, कोई डाउट तो नहीं, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये क्या है, ये एन ऑफ एस है, टोटल सैंपल स्पेस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, ये आसान है, जरा देखिए। अब पूरे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, रैंडम वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं, सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। सेशन को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना, ओके बच्चों। चलिए, द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 एंड 2। म्यू कितना है, 4, बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जायसवाल, बिल्कुल सही है। और वेरिएंस कितना है, 2। ठीक, तो आप मुझे बताइए मीन क्या होता है, एनपी, और वेरिएंस क्या होता है, एनपीक्यू, ये लिख लो यहां। अब देखो क्या पूछा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस,
अब आप एक बात बताइए, पी ऑफ आर में फॉर्मूला क्या होता है? बेकार सा क्वेश्चन है, देखो ये ठीक, ये एनपी की वैल्यू यहां रख दूं तो 4 × Q2, तो क्यू का वैल्यू हो गया 1/2, तो पी का वैल्यू क्या हो गया 1/2, है बेकार ठीक। अब यहां देखिए, पी की वैल्यू आ गई तो यहां पी रख दो, तो एन पी इक्वल टू 4, तो एन पी की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 4, तो एन का वैल्यू बच्चों क्या हो गया 8, बेकार क्वेश्चन हो गया। 8C2, क्यू मतलब 1/2 to the power 8 - 2 और 1/2 to the power 2, देखो मुझसे पहले ही बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड बच्चों, क्लियर कर लेना सॉल्व उसको, इसका जो भी आंसर आए आप उसका सोल्यूशन निकालिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड, ध्यान से देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है, मतलब अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू की वैल्यू 2 हो गई। और एक और बात, क्या आपको याद आता है कि एन इक्वल टू, मैं 16 ले लूं क्या बच्चों? कैसे ले लिया मैंने 16? याद है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी प्लस क्यू होल टू द पावर एन होता है, तो एन इज 16। अब यहां से अगर मैं लिखूं एन पी क्यू इक्वल टू 4, ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब एम निकालना है। अब आप बताइए एन की वैल्यू कितना है 16, तो पी क्यू इक्वल टू 4/n, तो पी क्यू इक्वल टू 1/4 हो गया, पी क्यू इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब ये पी क्यू इक्वल टू 1/4 तो है, लेकिन क्या इस पी के साथ जो क्यू है उसको मैं 1 - p लिख दूं? तो ये हो गया p - p² इक्वल टू 1/4, तो ये हो गया 4p² इक्वल टू 1, तो 4p² - 4p + 1 इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको 2p - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? तो p इक्वल टू क्या हुआ 1/2। आप मुझे बताइए मीन की वैल्यू म्यू इक्वल टू क्या होता है np, तो n इज 16, तो एन म्यू हो गया 8। संदीप वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बोलो समझ में आ रहा है सभी को यहां से? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स सेटिस्फाइंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन ऑफ 2, मतलब यहां पे मीन क्या दिया हुआ है 2, और ये सेटिस्फाई कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तब हमें निकालना है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक बात समझना, एक बात समझना, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या आपको लगता है? एटलीस्ट 2, मतलब 2 से ज्यादा। तो मैं बिना समझाए यहां क्या मैं ये लिख दू 1 - p₀ - p₁? बोलो लिख सकते हैं 1 - p₀ और p₁, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और पी ऑफ आर, संदीप कोई डाउट है क्या बेटा? ओके मनीषा, थैंक यू। ई टू दी पावर माइनस एम एम टू दी पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे पी जीरो निकाल देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ई टू दी पावर माइनस एम एम टू दी पावर 0 अपॉन
फैक्टोरियल जीरो मतलब ये हो गया ई टू द पावर माइनस एम। मैं अब पी वन भी निकाल देता हूं, ई टू द पावर माइनस एम एम, क्योंकि एम टू द पावर वन तो वन ही होगा, और अपॉन फैक्टोरियल वन। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? अपॉन फैक्टोरियल वन। अब पी जीरो कितना हुआ? ई टू द पावर माइनस टू, क्योंकि एम की वैल्यू टू है, ये भी रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है, पॉइजन का यही लेवल है, और ये हो गया टू ई टू द पावर माइनस टू। तो फ्रॉम वन, वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू माइनस टू ई टू द पावर माइनस टू, तो ये हो गया वन माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस टू, और ये हो गया आंसर। अब आप बताइए कि पॉइजन में आपको कहां कोई तकलीफ नहीं आना है बेटा, कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आना है। चले ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, 0.5 नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे ये जो मैंने लिखवाया वो यही ऑप्शन था, नहीं तो आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ अ बल्ब इन आवर्स, इन नंबर ऑफ आवर्स, इज अ रैंडम वेरिएबल विथ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छी बात ये है कि गिवन दिया हुआ है। बच्चों ऐसे दो तीन क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा अगला, जहां पर एग्जामिनर ने सिर्फ थ्योरेटिकली बोला कि फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस यू शुड रिमेम्बर द स्टेटमेंट, रिमेम्बर द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो क्या होता है। यहां तो दिया हुआ है, अब जरा देखिए क्या दिया है। जीरो इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू लाइज बिटवीन 100 एंड 200। अब एक सेकेंड, नो 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 नो, नहीं, इक्वल इक्वल टू कर लो, अगर ऐसा है तो ये इक्वल टू कर लो बस। अब ठीक है, अब ठीक है संदीप, हाँ एटलीस्ट टू दिया है बेटा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही है, वो मुझसे गलती हो गई होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही है वो, ठीक है। चलिए तो अब आप बताइए, जो आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक्चुअल लिमिट तो क्या होती है? जीरो टू इंफिनिटी होती है, ठीक, लेकिन हमें किस किस के बीच में ढूंढना है, 100 टू 200। तो यहां एक बेकार सा क्वेश्चन जनरेट हो गया, ये 100 और ये 200, तो अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी अपॉन माइनस अल्फा, और लिमिट लगा दो 100 टू 200। क्लियर, तो बताइए अल्फा अल्फा कैंसिल, तो ये होगा ई टू द पावर माइनस 200 अल्फा माइनस ई टू द पावर माइनस 100 अल्फा। तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मुझे नहीं पता कि क्यों बच्चे इसको डाउट में पूछते हैं, शायद इसलिए कि वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये दो तीन बार अभी 3 दिन से कर रहा हूँ सॉल्व ये मैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अज्यूम दैट, ध्यान से सुनिए, अज्यूम दैट द ड्यूरेशन इन मिनट्स ऑफ अ टेलीफोन कन्वर्सेशन फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने बोल दिया कि कोई पर्सन है जो फोन पर बात कर रहा है, उसको वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ मीन 5। तो सबसे पहले मैं मीन लिख लेता हूं, मीन इक्वल टू 5। क्या आपको ये याद है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है 1/लैम्ब्डा, और अगर ये 1/लैम्ब्डा होता है तो यहां से लैम्ब्डा की वैल्यू हो गई 1/5। अब यहां पर इन्होंने थेरिटिकली बोला है कि फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब पिछले क्वेश्चन में तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन गिवन था, बट यहां तो गिवन नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये होता है, ठीक है। अभी रुको मैं लिख देता हूं, तो क्या मैं इसको 1/5
ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय फाइव लिख लू। अब एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि लिमिट होगी जीरो टू इंफिनिटी, वन बाय फाइव ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय फाइव डी एक्स। ये हमने तैयारी कर ली, ये हमने तैयारी कर ली। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। एक टेलीफोन कन्वर्सेशन हो रहा है जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जबकि मीन फाइव है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए। द प्रोबेबिलिटी दैट द कन्वर्सेशन विल एक्सीड 5 मिनट्स। आप समझिए, कोई भी कन्वर्सेशन अगर शुरू हो चुका है तो जीरो तो नहीं रहा ना, कॉल पे बात होना शुरू हो गई है, और हमें ये बताना है कि अब वो जो भी पर्सन फोन पर बात कर रहा है वो कन्वर्सेशन 5 मिनट से ज्यादा होगा। तो बस एक बात छोटी सी कि जो लिमिट है जीरो टू इंफिनिटी, इसको आप लिमिट लगा दो 5 टू इंफिनिटी। संदीप एंड प्रेम, वेरी गुड बच्चा। तो आप बताइए, ये लिमिट समझ में आ गई? व्हाई आई एम टेकिंग 5 टू इंफिनिटी अपॉन -1/5, लिमिट हो गई 5 टू इंफिनिटी, 1/5 कैंसिल हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू दी पावर -1। अपर लिमिट लगा देना, अपर लिमिट लगाओगे तो जीरो हो जाएगा और लोअर लिमिट में ई टू दी पावर -1 हो जाएगा। क्लियर? जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं बच्चा, बफर तो नहीं हो रहा बेटा। 5 टू इंफिनिटी, गुड। चलिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्या होता है? एक्स इंटू पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स लिख लो। बेकार क्वेश्चन है, बहुत बेकार है। अब यहां पर एक्स हूज पीडीएफ इज गिवन एज, ये रहा पीडीएफ गिवन है एक्स इंटू टू टू दी पावर एक्स, और जबका एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू क्या दी है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। और लगा दो यहां 1/2 टू दी पावर 0, 1/2 टू दी पावर 1, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। तो क्या हुआ 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। तो a इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/2, तो a अपॉन 1 माइनस 1/r आंसर। बोलो, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चों को भी? बहुत आसान है, जल्दी जल्दी कर दिए बेटा। ये इसलिए करवाने पड़ रहे हैं कि इन टॉपिक पे यही क्वेश्चन थे जो थोड़ा बहुत डिस्कस करने लायक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप बात याद रखोगे तो आपको याद रखना चाहिए ये डिस्क्रीट तो इसने बोल ही दिया है, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, काम खत्म हो जाएगा। चलिए एक और बेकार क्वेश्चन देखिए। कैपिटल एक्स इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इन 0,2π। Then the RMS value of x, क्या कल मैंने बोला था कि RMS value जो होती है वो मैंने उसका फॉर्मूला लिखवाया है expectation of x square, और अगर नहीं लिखवाया हो, शायद मैंने नहीं लिखवाया है, तो ये लिख लो। ठीक, तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आपको नहीं पता है कि क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब स्टैंडर्ड जो लिमिट होती है वो होती है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट इन दिस क्वेश्चन इंटरवल इज गिवन 0 टू 2π। अब इस पूरे क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो एक है, क्या एग्जामिनर ने थ्योरेटिकली बोल दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, वो रैंडम वेरिएबल में ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो क्या आपको ये याद है कल हमने डिस्कशन किया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/b-a होता है फंक्शन, ये अब आपकी जिम्मेदारी हो गई एग्जाम में।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू पाई माइनस जीरो, दैट इज वन अपॉन टू पाई, खत्म हो गया। क्या लगता है, अभी भी मुझे तो करवाना चाहिए क्या क्वेश्चन ये? वन बाई टू पाई डी एक्स, तो वन बाई टू पाई ये कितना हुआ, एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट हो गया 0 to 2 पाई, तो ये आंसर होगा 2 पाई का स्क्वायर अपॉन 3। ये क्या हुआ, ये एक्सपेक्टेशन, थक गए क्या बच्चों, बोलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आरएमएस वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई बाय √3। क्लियर है, आसान, आप समझना कि ये इतने इतने छोटे छोटे से इंटीग्रेशन करने का एक नंबर मिल रहा है, आपके किसी भी कंप्यूटर साइंस या किसी भी ब्रांच के टेक्निकल सब्जेक्ट से तो आसान है। ठीक है, चलिए, ये बेकार है, मैं नहीं करा रहा है क्वेश्चन, तुम लोग कर लोगे क्या। कैपिटल एक्स इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, तो क्या मैं इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस जीरो दैट इज वन। मनीषा बहुत अच्छी बात है बेटा, अभी रुकना, एक क्वेश्चन और बचा है फिर वो सीख के जाना। माई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू गाइस एनर्जी। और अच्छा एक बात और, रुक जाओ, कल जिस किसी भी स्टूडेंट को 2 या 5 सेकंड, मान लेते थोड़ा ज्यादा ले लेते 10 सेकंड ले लेते, 10 सेकंड में अगर इंटीग्रेशन का ऑर्डर बदलना सीखना हो तो जरूर आइए, और तुम लोगों को तो कंपलसरी, जितने बच्चे भी रेगुलर हो और अपने जितने फ्रेंड्स जो थोड़े बहुत कम हो गए उनको कहो कि सर कल इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाएंगे। करूंगा तो मैं शॉर्ट में ही डिस्कस, लेकिन उसमें जहां जहां शॉर्टकट जितनी मुझे याद है वो सब मैं आपको बता दूंगा, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भूलना मत, मैंने बीच रास्ते में रोक कर बताया। अब आप बताइए हमें निकालना क्या है, क्या ये बोलने वाली बातें। मैंने आज कहा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स निकालना हो तो मॉड लगा दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना हो तो एक्स स्क्वायर लगा दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब लगाना हो तो एक्स क्यूब लगा दो, बस। अब आपका फंक्शन बच्चों क्या हो गया, 1, तो बस आंसर 1/4। बिल्कुल बिल्कुल, इंटीग्रेशन, अगर उस तुम्हारे सिलेबस का वर्ड दिखना इंटीग्रेशन, और अगर इंटीग्रेशन है तो वहां पर वो डेफिनेट भी पूछ सकता है, एरिया अंडर द कर्व भी पूछ सकता है, और चेंज द ऑर्डर भी पूछ सकता है। ठीक है, बिल्कुल संदीप, बिल्कुल, बहुत अच्छे से बात करेंगे अपन, ढंग से बात करेंगे। क्लियर, तो मेघा अगर तुझे डर भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे, अगर तू बोलेगी तो मैं एक एग्जांपल अभी बताऊंगा आज ही, ठीक है, जाने के पहले एक जादू। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, उसके बाद हम दो बातें डिस्कस करेंगे, सुनो मेरी बात बच्चों, ये क्वेश्चन करवाने का एक ही एम है। क्या कल याद है अपन ने डिस्कशन किया था कि हम जानते हैं कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन, बिल्कुल एरिया अंडर द कर्व भी पढ़ाऊंगा मैं। अब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन होता है, वही टोटल प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। हम लोगों को ये जो प्रोबेबिलिटी है वो सिंगल वेरिएबल में है जो हम पढ़ते हैं, बट एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन जब पूछा 2 नंबर का, तब देखो क्या पूछा, टू रैंडम वेरिएबल डब्ल्यू एंड जेड आर जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, जबकि जेड का वैल्यू ग्रेटर 0 है और डब्ल्यू का वैल्यू ग्रेटर 0 है, और वैल्यू बोल दी सी की। सेम क्वेश्चन 3 वेरिएबल के जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आ सकता है, बिकॉज हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन तक पढ़ते हैं। अब नाउ, अब आपको क्या याद रखना है, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर ये देखो, अगर 2 वेरिएबल जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस तरह से लिख देना, और टोटल हमेशा 1 ही होगा, टोटल 1 होगा। अब अगर मैं कोई अपने हिसाब से एक फंक्शन बना लूं और मैं कहूं कि बच्चों 3 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स आर जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कोई डरने वाली बात नहीं, ट्रिपल इंटीग्रेशन और टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है साहब, और लिमिट जो है वो 0 टू इंफिनिटी, दिस लिमिट इज अगेन 0 टू इंफिनिटी।
हो गया क्वेश्चन खत्म। यहां पर ये देखो, जीरो टू इंफिनिटी सी बाय एट, जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस टू डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू डी जेड इक्वल टू वन। तो क्या मैं यहां जीरो टू इंफिनिटी अगेन जीरो टू इंफिनिटी, क्या बच्चों अपन ऐसा लिख सकते हैं? इतना अभी तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया लेकिन इतना तो याद होगा। और पहले में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन? बिल्कुल टू टाइम इंटीग्रेशन होगा प्रेम। पहले में सेट के रेस्पेक्ट में कर दूं तो जरा आप देखिए, यहां सी बाय एट जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस टू डब्ल्यू कॉन्स्टेंट और e टू दी पावर माइनस जेड अपॉन माइनस वन लिमिट हो गई जीरो टू इंफिनिटी डी डब्ल्यू इक्वल टू वन। तो माइनस बाहर ले लें और यहां लिमिट लगा दोगे तो क्या आएगा? थोड़ा जल्दी कर दिया यार, है ना? तो c बाय एट जीरो टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू वन। समझ में आया ये माइनस वन कैसे हो गया? e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी जीरो और लोअर लिमिट में वन। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करें तो e टू दी पावर माइनस टू डब्ल्यू अपॉन माइनस टू जीरो टू इंफिनिटी इक्वल टू वन। तो माइनस सी बाय सिक्सटीन बाहर है, अपर लिमिट इनिटी लगाओगे तो जीरो होगा, लोअर लिमिट में वन और इक्वल टू वन। तो c की वैल्यू आ गई 16। बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताइए। चलिए, वो बच्चा आज है अपने बीच में जो जिन्होंने मुझे कल जिसके कारण मैं मोटिवेट हुआ वो ढूंढने के लिए मेरी कॉपी पुरानी, जहां से मैं सम ऑफ थ्री डाइस थोड़ा बहुत समझा पाऊं। चलिए अब सुनिएगा, स्टार्ट करें। Sum of three dice. Sandeep, बिल्कुल, after lecture I am going to share the PDF on that Telegram group. ठीक है? चलिए, अब इसको सीखो। चलिए, आप ये बताइए कि sum of three dice, तो three dice में सबसे पहले n of s में लिख रहा हूं 216। क्या इसमें कोई डाउट? 6 into 6 into 6, दो डाइस पे का तो 36, थ्री डाइस पे का तो 216। अब मुझे ये बताओ कि जो लोएस्ट सम है तीन डाइस में वो कितना होगा? 3। फिर क्या होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एक्चुअल देर इज अ पावर कट एट माई होम, तो कैन वी वेट फॉर फ्यू मिनट्स? या नो, योर नेट इज कैन वी वेट फॉर फ्यू मिनट्स? Just put some comment on the comment box because I just want to discuss that shortcut what I told you yesterday. Okay, so just give me 2 minutes. And if it is visible, if I am not buffering, let me know. I'll explain over here.
बच्चों एक काम करते हैं, पावर कट हो चुका है तो आप लोग 2:30 पर ज्वाइन कीजिए विश्वदीप सर का बैच, एंड आई विल दिस शॉर्टकट टुमारो, बिकॉज आज का अपना सेशन एंड हो चुका है। बच्चों सेशन को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और खूब पढ़ाई करना, ओके? ठीक, तो चलिए, थैंक यू सो मच। टुमारो 11:30 AM आई एम हियर विथ इंटीग्रल कैलकुलस इन अ शॉर्ट मैनर विथ फुल डिटेल।